Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you are fine. Today we are going to start lecture number 4 of English grade 2. First of all, you have to open your planner. You have to mention it in the first 3 blocks of week number 2. Now you have to move at workbook page number 3. First you have to mention it in the at the top of the page. Hamare paas first question, make सेंटेंसेस. अब आपने यहाँ पे वर्ड्स कुछ गिवन होंगे, आपने उनके जुमले बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं उनके. फर्स्ट वन इज विलेज. विलेज होता है गांव. अब हमने गांव का जो वर्ड है विलेज, इसका सेंटेंस बनाना है. डॉक्टर नदीम लिव्ड इन अ विलेज. डॉक्टर नदीम कहाँ पे रहते थे? एक विलेज में रहते थे, एक गांव में रहते थे. स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे अपने गांव का नाम भी लिख सकते हैं कि मैं फलां गांव में रहता हूँ या दैट इज़ माई विलेज. अपने गाँव का नाम भी मैंशन कर सकते हैं, वो सेंटेंस भी बना सकते हैं. नेक्स्ट वन इज सिक. सिक होता है बीमार. अ बिग ट्रेमरिंग ट्री वाज सिक. एक बड़ा सा इमली का दरख्त वो बीमार था. ठीक है, आप खुद अपने बारे में भी लिख सकते हैं कि मैं बीमार हूँ. यहाँ पे हमने स्टोरी में पढ़ा था कि एक जो बड़ा सा इमली का दरख्त था वो बीमार था. नेक्स्ट वन इज क्रैक. द ब्रांचेस ऑफ द ट्री क्रैक. ठीक है, जो ब्रांचेस थी ट्री की वो उनकी उनसे आवाज़ आ रही थी. जैसे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है ना, उसी तरह ट्री की शाखों से उनकी ब्रांचेस से आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई खा रहा उनको या कोई हिला रहा उनको. पुल. पुल होता है खींचना. डॉक्टर नदीम पुल्स आउट अ बिग वर्म. डॉक्टर नदीम ने एक बड़ा सा वर्म बाहर निकाला. कहाँ से निकाला था? ट्री के ट्रंक में एक वर्म था जो कि ट्री के हार्ट को, उसके दिल को खा रहा था. उसको डॉक्टर नदीम ने बाहर निकाला. Answer the following questions. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं. Which tree fell sick? कौन सा ट्री बीमार हुआ था? किसके लिए डॉक्टर को बुलाया गया था? तो वो था टैमरिन ट्री. इमली का दरख्त था वो बीमार था. TAMARIND टैमरिन. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं. वेयर वॉज द ट्री. ट्री कहाँ पे था? इन द सेंटर ऑफ द विलेज. हमें पता है कि जो ट्री था टैमरिंड ट्री, वो ट्री के सेंटर में था, उसके ट्री सॉरी विलेज के सेंटर में था, गांव के बिल्कुल दरमियान में था टैमरिंड ट्री. क्वेश्चन नंबर 3, हु कॉल द डॉक्टर. किसने डॉक्टर को बुलाया था? द आंसर इज द विलेजर्स. जो गांव के रहने वाले लोग थे उन्होंने डॉक्टर को बुलाया था. वेयर वॉज द होल. होल कहाँ पर था? सुराख कहाँ पर था ट्री के? इन द ट्रंक. जो दरख्त का तना था वहाँ पे सुराख था. TRUNK ट्रंक. ट्रंक मीन तना. नाउ यू हैव टू मूव एट वर्कबुक पेज नंबर 4 एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन डेट एंड डे देयर. क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारे पास. व्हाट वाज इनसाइड इट. जो ट्री का ट्रंक था उसके अंदर क्या चीज़ थी? अ बिग फैट वर्म. एक बड़ा सा वर्म था, मोटा सा बड़ा सा वर्म था. कहाँ पे? ट्री के ट्रंक में था, जो कि ट्री का हार्ट खा रहा था, उसका दिल खा रहा था ट्री का. क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारे पास. हाउ डिड द विलेजर्स द बर्ड्स एंड द ट्री फील एट द एंड. ठीक है, जो जब जब चैप्टर एंड हुआ था तब एंड पे क्या हुआ था? विलेजर्स और जो गांव के रहने वाले लोग थे और जो परिंदे थे और जो ट्री था, उन्होंने एंड पे कैसा फील किया था? दे फेल्ट हैप्पी. वो एंड पे बहुत ज़्यादा खुश थे. क्वेश्चन नंबर 7, Did anything surprise you in the lesson? क्या स्टूडेंट्स आपको किसी चीज़ से सरप्राइज किया या किसी चीज़ ने हैरान किया था इस स्टोरी के अंदर? अगर किया था तो आपने बताना है यहाँ पे. अगर नहीं किया आपको सरप्राइज, आप लोगों के लिए सब चीज़ें एक जैसी थी, तो फिर आप लोगों ने नो लिख देना है. ठीक है, यस, सरप्राइज किया था ना हमें. द ट्री वॉज इल. कि एक दरख्त बीमार था. ये कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स कि एक दरख्त बीमार हो? हमें जानवरों के बारे में पता है वो बीमार होते हैं, इंसान बीमार होते हैं, लेकिन यहाँ पे सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि यहाँ पे एक दरख्त भी बीमार हो रहा है और उसको चेक करने के लिए डॉक्टर आ रहा है. और उसको डिजीज़ क्या होती है? कि उसके हार्ट को एक वर्म खा रहा होता है, उसके दिल को एक वर्म खा रहा होता है, इसलिए वो बीमार होता है ट्री और उसके पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं. और एंड पे डॉक्टर नदीम ने उसके वर्म को बाहर निकाल लिया और ट्री एंड पे बाद में वो ठीक हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं. What do you think could have happened if the tree did not get the treatment? आप क्या सोचते हैं अगर ट्री को ट्रीटमेंट ना मिलती, ट्री के साथ क्या होता? क्या होता फिर? अगर अगर उसको ट्रीटमेंट ना मिलती, आपको पता है कि ट्री गिर जाता, ख़त्म हो जाता,
आंसर क्या आ गया हमारा, इट कुड बी फॉलन, तो ट्री वहां से गिर जाता क्योंकि उसके पत्ते तो गिरना शुरू हो गए थे ना, एंड पे क्या होता है ट्री भी गिर जाता है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट अदर वे वुड यू प्लान टू क्योर द ट्री, ठीक है दूसरा प्लान हमने बताना है कि आप क्या क्या चीज़ यूज़ करते, कौन सा प्लान बनाते ट्री को बचाने के लिए। आई वुड यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रे, तो ठीक है स्टूडेंट्स ट्री को बचाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेज भी यूज़ होती हैं, वो स्प्रे करते हैं तो उससे जो कीड़े मकोड़े जो वर्म्स वगैरह होते हैं वो भी मर जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, थिंक एंड प्रिपेयर अ कंपेरिजन चार्ट टू डिफाइन द साइंस ऑफ हेल्थी एंड इल ट्री, यहाँ पे हमारे पास स्पेस गिवन होगी, हमने वहाँ पे चार्ट सा बनाना है, हमने उन चीज़ों का कंपेरिजन करना है कि जो हेल्दी ट्री होगा जो सही सा ट्री होगा उसकी क्या कौन सी साइन है, और बीमार जो ट्री होगा जो इल ट्री होगा उसकी कौन सी साइन होगी, ठीक है। एंड इल ट्री यूज फ्रेजेस टू मेक दिस चार्ट, फ्रेजेस यूज करने, आपने सिंगल वर्ड में इसको बयान नहीं करना, फ्रेजेस यूज करने और बताना है कि हेल्दी ट्री के साइन कौन से होती हैं और जो इल ट्री होता है बीमार ट्री होता है उसकी कौन सी साइंस हैं। फर्स्ट वन आ गया साइंस ऑफ हेल्दी ट्री, और वन थिंग मोर जब हम कंपैरिजन करते हैं हमने दोनों साइड्स पे वही चीज़ देखनी होती है, ठीक है एक पे वो चीज़ होती है और दूसरी साइड पे वो चीज़ नहीं होती। फर्स्ट वन इज जो हेल्दी ट्री के उसकी साइन देख लेते हैं पहले, ग्रीन लीफ जो हेल्दी ट्री होता है उसके जो पत्ते होते हैं वो सब्ज रंग के होते हैं, और जो इल ट्री होता है उसके लीफ कौन से होते हैं किस कलर के होते हैं, येलो लीफ, पीले रंग के पत्ते होते हैं, और जब पीले रंग के पत्ते होते हैं तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं बाद में। इसकी जो ट्रंक होती है हेल्दी ट्री की वो स्ट्रांग ट्रंक होती है, मजबूत तना होता है इसका। जो इल ट्री होता है उसके जो ट्रंक होता है उसमें सुराख होते हैं, हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि वहाँ पे एक ट्री में होल्स होते हैं और वहाँ पे एक वर्म होता है, ठीक है तो इसी तरह जो इल ट्री होता है वहाँ पे उसमें होल्स होते हैं और वहाँ पे डिफरेंट वर्म्स रहते हैं उसको खा रहे होते हैं ट्री को, सुराख होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हेल्थी फ्रूट, जो हेल्दी ट्री होता है उसके ऊपर जो फ्रूट लगते हैं वो भी हेल्दी होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, और जो होता है एक ट्री उसके ऊपर फ्रूट तो लगता है बट वो रोटन फ्रूट्स होते हैं, मीन्स के गले सड़े होते हैं, उसमें भी कीड़े होते हैं वर्म्स होते हैं, तो ये साइंस हैं इनकी इल ट्री की। नाउ यू हैव टू मूव एट वर्ब पेज नंबर 5 एंड मेंशन डेट एंड डे देयर, रिकॉल द स्टोरी एंड कंप्लीट द मैप, ठीक है यहाँ पे स्टोरी मैप, यहाँ पे हमने स्टोरी को याद करके लिखना है कि हमने स्टोरी में क्या क्या चीज़ें देखी हैं, हमने उनको इस मैप को फिल कर लेना है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग, हम रीडिंग के बारे में देखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। पहले हम लोगों ने क्या बताना, टाइटल स्टोरी का टाइटल क्या था आपको याद हो तो स्टोरी का टाइटल है हमारे पास डॉक्टर नदीम, हमने ये डॉक्टर का डी कैपिटल लिखा और नदीम का एन भी कैपिटल लिखा। करेक्टर्स इसमें स्टोरी में होता कौन कौन है, डॉक्टर नदीम होते हैं, उसके बाद विलेजर्स होते हैं, और ट्री होता है, वॉर्म का भी लिख सकते हैं आपके वो भी होता है, ठीक है अगर आपके ये चॉइस आपके पास कि आपने वॉर्म को लिखना है यहाँ पे या फिर नहीं लिखना। सेटिंग वो किस जगह पे होती है स्टोरी, कहाँ पे बन रही है स्टोरी, ये वाली इन द विलेज, हमें पता है कि विलेज में ये स्टोरी बन रही है, वहाँ पे विलेज में एक ट्री बीमार था। प्रॉब्लम क्या इसमें, द प्रॉब्लम इज वट इज रॉन्ग इन द स्टोरी, स्टोरी के अंदर चीज़ सही नहीं कौन सी नहीं थी, क्या मसला था स्टोरी के अंदर, हमें पता है कि स्टोरी के अंदर क्या मसला होता है कि एक जो इमली का दरख्त होता है वो बीमार होता है, और वो होता कहाँ पर, विलेज के सेंटर में एक इमली का पेड़ है, एक इमली का पौधा है, दरख्त है, वो बीमार होता है, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। अ बिग टैमरिंड ट्री इन द सेंटर ऑफ द विलेज इज सिक, जो ट्री के विलेज के सेंटर में एक ट्री है बड़ा सा वो बीमार है। सोल्यूशन क्या होता है इसका, मसला हल कैसे करते हैं हम इसमें एंड पे कैसे होता है सॉल्व, द सोल्यूशन इज़ हाउ द प्रॉब्लम इज़ फिक्स्ड, एंड पे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, द डॉक्टर पुल्स आउट अ वर्म फ्रॉम द ट्रंक, जो डॉक्टर नदीम थे उन्होंने एंड पे क्या किया कि जो ट्री के ट्रंक में जो वर्म होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं और ट्री ठीक हो जाता है। स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और वर्कबुक के ऊपर लिख के इसको याद करना है। पीएम आने ला।